हे गाइस, आपका मोस्ट वेलकम है टेक ऑफिस पे। और यहाँ पे फाइनली रेडमी 4 डिवाइस के लिए MIUI 11 का फाइनल अपडेट आ गया है, जो कि ग्लोबल स्टेबल अपडेट है। इसके पहले एक चाइना का अपडेट आया था जो कि ऑफिशियल था, उसकी भी मैंने आपको वीडियो दे दिया था। तो आज यहाँ पे मैं आपको फाइंड आउट करके शो करने वाला हूँ कि क्या कुछ हमें नया मिलता है इस MIUI 11 पे, या फिर MIUI 11 का सिर्फ टैग और छोटे मोटे चीजें ही देखने को मिल जाती है। तो सब कुछ मैं यहाँ पे करने वाला एक्सप्लेन, वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है क्योंकि फर्स्ट ऑफिशियल बिल्ड है, तो हर एक फीचर को शो करने वाला हूँ। अगर आप अभी तक MIUI 10 के स्टेबल बिल्ड पे हो तो आप OTA अपडेट के थ्रू अपडेट कर पाओगे, अदरवाइज आपका OTA अपडेट नहीं आ रहा है तो आप TWRP के थ्रू भी फ्लैश कर पाओगे। अभी जस्ट मैंने Redmi Note 4 के ऊपर इसका इंस्टॉलेशन का वीडियो दिया है, तो सेम स्टेप सेम मेथड आपको फॉलो करना है Redmi 4 के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। Redmi Note 4 वाला मेथड Redmi 4 के ऊपर अप्लाई कर देना है TWRP से फ्लैश करने के लिए। अबाउट पे आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है Redmi 4 और इसका जो Android वर्जन है कोई भी अपग्रेड यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ, सेम वही बिल्ड आपको मिलता है 7.1.2 जो कि पहले भी हमें मिला था। यहाँ पे सिक्योरिटी पैच जहाँ पे लीव किया गया था वहीं पे है, कोई भी अपडेट नहीं मिलता है। कम से कम सिक्योरिटी पैच का अपडेट दे देता है एक लंबे टाइम के बाद, या फिर एंड्रॉयड वर्जन कम से कम तो ओडियो मिल जाता तो ज्यादा बेटर रहता। ना ही रेडमी नोट 4 को मिला है और ना ही इसे मिला है। यहाँ पे MIUI का जो बिल्ड है वो है 11.0.2 ग्लोबल स्टेबल बिल्ड, जो कि सेम बिल्ड नंबर हमें Redmi Note 4 को भी देखने को मिला है। बाकी सब कुछ वही मिलता है। पूरा MIUI 11 वाले आपको UI देखने को मिल जाता है, सेटिंग्स पूरे कलरफुल यहाँ पे कर दिए गए हैं। लेकिन क्या ये कलरफुल के पीछे अंदर फीचर्स भी दिखाई देते हैं, या फिर टाइम टाइम फीस वाले फीलिंग यहाँ पे आती है? तो बहुत सारे यूजर्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं और उनको पता है कि क्या कुछ मिल गया है, और जिन्हें नहीं पता है वह वीडियो आप वॉच कर लो, पता चल जाएगा। ओके, सबसे पहले हम चलते हैं इसके कैमरे के अंदर। कैमरा अभी तक MIUI 9 के बाद अपडेट ही नहीं हुआ, ना ही MIUI 10 मिला जब अपडेट किया गया, और ना ही 11 में हमें अपडेट करने को मिला। तो MIUI 9 का ही अभी तक कैमरा हमें देखने को मिलता है, सारे फीचर्स MIUI 9 वाले ही दिखाई देते हैं हमारे कैमरे के अंदर। थीम का आपको मैनुअली अपडेट करना होगा APK का, तब जाके आपको इस तरह का लुक देखने को मिलेगा, अदरवाइज सिंपल सा ही लुक आपको दिखाई देगा। यहाँ पे कस्टम पे आते हैं तो मुझे बूट एनिमेशन एंड बूट ऑडियो आया है। कुछ लोगों का कंप्लेन आ रहा है कि भाई बूट ऑडियो और बूट एनिमेशन तो मुझे देखने को नहीं मिला है, आपका कैसे आ गया? तो मैं बता दूं कि मैंने इसे TWRP से फ्लैश किया था, तो चाइना का रीजन सेट हो गया था जो कि अक्सर प्रॉब्लम आती है, तो उसे मैंने फिक्स किया है। मे बी उसकी वजह से बूट एनिमेशन और बूट ऑडियो मुझे मिला। आप मुझे बताना कि आपको बूट एनिमेशन और बूट ऑडियो का ऑप्शन दिखाई दिया या फिर आपका नहीं दिखाई दिया। ओके, यहाँ पे आते हैं तो आप देख सकते हो कि बाकी अदर जितना भी मैंने रिव्यू किया Redmi Note 7 Pro बाकी अदर में, तो यहाँ पे कनेक्टिंग एंड शेयरिंग का ऑप्शन था जबकि यहाँ पे मोर का है। इसके अंदर कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता है, जबकि बाकी अदर डिवाइस के अंदर हमें बहुत कुछ नई चीजें देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे कनेक्टिंग एंड शेयरिंग में MI शेयर कास्ट प्रिंटिंग वगैरह देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे हमारा दिखाई नहीं देता है। डिस्प्ले के अंदर आते हैं तो हमारे डिस्प्ले में मिल जाता है वही रीडिंग मोड वगैरह देखने को मिलता है, कोई भी डार्क वाले फीचर्स यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे रीडिंग मोड है और डार्क मोड का भी ऑप्शन है, तो एक डार्क मोड भी हमें मिल जाना चाहिए था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारी यूजर्स को बहुत ज्यादा पसंद आती है, बट यहाँ पे नहीं दिया गया है। बैक की ओर चलते हैं तो यहाँ पे थीम वॉलपेपर सब कुछ मैं आपको आगे दिखा दूंगा। यहाँ पे अगर MI टूल्स के ऊपर आते हैं तो अच्छी चीजें दी गई है कि यहाँ पे लुक वगैरह बदल दिया गया है, सारे नेचुरल साउंड्स वगैरह जो प्रोवाइड किए गए हैं आपके नोटिफिकेशन टूल्स वगैरह के लिए। तो अगर आप आते हो इवेंट वगैरह में तो यहाँ पे आपको नेचुरल साउंड्स सुनाई देंगे, जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। यहाँ पे एक और ऑप्शन आया था चाइना यूजर्स के लिए, जो कि क्लिप आप सेट कर पाओगे इनकमिंग कॉलिंग के ऊपर बैकग्राउंड में, जबकि ये फीचर्स हमें ग्लोबल में किसी भी डिवाइस को देखने को नहीं मिला है, तो यहाँ पे Redmi 4 को कैसे मिल जाएगा, है ना? आगे की ओर आते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ फिंगरप्रिंट अनलॉक देखने को मिलता है, कम से कम फेस अनलॉक भी दे देता है इतने टाइम बाद, तो भाई अच्छी सी फीलिंग आती है, बट यहाँ पे फेस अनलॉक भी हमें देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे वॉलपेपर कर्सर वगैरह आपको मिल जाता है, जो कि APK का अपडेट आया है मैनुअली, जहां से आप इसे अपडेट वगैरह कर पाओगे, अदरवाइज आपको ओल्ड वाला ही देखने को मिलता है। नोटिफिकेशन के अंदर आपको वही सारी चीजें देखने को मिलती है जो कि हमें MIUI 10 पे मिला था, तो कुछ भी नया स्पेशल नहीं है। होम स्क्रीन में आप यहाँ पे देख पाओगे कि एक नया ऑप्शन आया है, स्वाइप अप ऑन द होम स्क्रीन टू ओपन सर्च बार, और एक यहाँ पे शेक वाला फीचर आया जो कि काफी ज्यादा रिस्की है। ऐसे तो काफी मजेदार चीज है, लेकिन ये पहले भी आया था, फिर हट गया, आया हट गया, आया हट गया, फिर आ गया, ठीक है? तो ये एक फीचर है लेकिन रिस्की फीचर है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे रिस्की है। तो अगर आपके आइकन बिखरे पड़े हैं, आप इन्हें एडजस्ट करना चाहते हो लेकिन बहुत ज्यादा ऐप्स आपने इंस्टॉल कर दिया है और मैनुअली काफी ज्यादा लेंदी हो जाता है, काफी ज्यादा टाइम लगता है, काफी ज्यादा दिमाग पर टेंशन आ जाता है, भाई एक एक ऐप को खींच के यहाँ से वहां ले जाओ, वहां से यहाँ ले जाओ, तब जाकर एडजस्ट होगा। लेकिन ये फीचर्स आपको हेल्प करता है सभी आइकन्स को एक साथ मैनेज करने के लिए, बस आपको इस तरीके से पिन करना है और जैसे ही एडिट के मेन्यू पे आता है अपने फोन को कुछ इस तरीके से शेक कर देना है, ठीक है?
हुज्जा हो गया। तो यहाँ पे हल्का सा शेक अगर आप करोगे तो ये काम नहीं करता है। तो यहाँ पे एक डेंजर चीज आपको देखने को मिलेगी इस शेक फीचर्स की वजह से। जैसे कि आपने शेक किया, नहीं हुआ, कुछ इस तरीके से ज्यादा शेक करना पड़ता है, और ऐसे में बाय चांस बाय मिस्टेक आपके यहाँ से फोन छूट गया तो भाई फोन के टुकड़े होंगे होंगे, आपके दिल के भी टुकड़े हो जाएंगे और बिखर जाएंगे रोड के ऊपर। तो भाई रिस्की फीचर से शेक वाला, लेकिन हेल्प करता है। अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो आप शेक करके एडजस्ट कर सकते हो, अदरवाइज भाई टेंशन मत लेना, अदरवाइज आपके बैंड बच जाएगी फोन की। यहाँ पे आपको जो बैटरी एंड परफॉर्मेंस में अल्ट्रा बैटरी सेविंग भी देखने को नहीं मिलता है। एक और सबसे बड़ा झटका लगा क्योंकि हमारे बाकी अदर जितने भी इंडियन फोन है लॉन्च किए गए उनमें किसी में देखने को नहीं मिला है। ये सिर्फ चाइना में अल्ट्रा बैटरी सेविंग दिया गया और साथ ही ऑटोमेटिक टास्क मैनेजर, तो इन दोनों में से कोई भी फीचर हमें ग्लोबल में देखने को नहीं मिलता है। तो डरने की जरूरत नहीं है कि भाई Redmi Note 4 को मिल गया, K20 को मिल गया, Redmi 4 को क्यों नहीं मिला। अभी फिलहाल किसी को नहीं मिला है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि किसी को नहीं मिला है। ठीक है, आगे आते हैं एडिशनल के अंदर। तो यहाँ पे डिस्प्ले फुल स्क्रीन का जो ऑप्शन आता है जेस्चर्स वगैरह का, वो भी हमें नहीं मिला है। तो ये भी दे देना चाहिए था बट नहीं है, तो आप मैनुअली इनेबल कर पाओगे। यहाँ पे अगर आप T12 से फ्लैश करते हो तो रीजन आपका चाइना में सेट हो जाएगा और सारी थीम स्टोर आपको चाइना में दिखाई देगा। तो उसके लिए मैंने पैच दे दिया डिस्क्रिप्शन में रीजन फिक्स के नाम से। तो बस उस पैच को T12 से फ्लैश करने के बाद आपका रीजन है जो परफेक्ट काम करने लग जाएगा और आप जो भी रीजन यहाँ पे यूज करना चाहते हो वो आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। तो पूरे ग्लोबल वाले जो लैंग्वेजेज आते हैं वो सारे लैंग्वेज आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो आप अपने फेवरेट लैंग्वेज को यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे अगर आपको रीजन चाइना वाला प्रॉब्लम आता है। तो इमरजेंसी SOS दिया गया है MIUI 11 में। एक्सप्लोर न्यू फीचर्स में आपको क्विक रिप्लाई देखने को मिल जाता है जो कि MIUI 10 में नहीं था। तो ये नई चीजें यहाँ पे आ गई है, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पहले भी कर दिया है। सेकेंड स्पेस था, है, 100 था और है, यहाँ पे किक बॉल भी था और अभी भी है। MI अकाउंट के अंदर आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है अगर आप आते हो इसके क्लाउड के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि होम स्क्रीन, डिलीट आइटम और फाइंड स्पेस, ये तीनों ऑप्शन हमें नीचे देखने को मिलते थे बट अब ऊपर कर दिए गए हैं इस MIUI 11 के अंदर। अब आगे यहाँ पे देखा गया है क्विक सिंक जो कि पहले ये नहीं था। तो यहाँ पे लिखा गया एप डाटा इन रियल टाइम पावर कंजप्शन विल बी इंक्रीज द फीचर्स इज ऑन, यानी जैसे ही आप है जो इसे ऑन कर देते हो जब भी आप कोई नया चीज सेव करोगे, कॉन्टेक्ट हो गया, मैसेजिंग रिसीव हुई या डायल पैड या रिकॉर्डिंग वगैरह, वो रियल टाइम पे सिंक करके आपको चला जाएगा क्लाउड पे। ऐसे में आप अकाउंट को चेंज करते हो, फोन को रिसेट करते हो, दोबारा टाइम आप जो अकाउंट लॉग इन करोगे MI का, तो वो सारे डेटा जो सिंक होकर अपलोड हुए हैं वो वापस आ जाएंगे रियल टाइम पे। लेकिन पहले ऐसा था कि आप जब चार्जिंग पे डालोगे या फिर वाईफाई डालोगे तभी वो सिंक वाला काम करता था। तो समटाइम आपने कुछ डेटा सेव किया और रिसेट कर दिया, अकाउंट लॉग आउट कर दिया, तो आपका डेटा जो चला जाता था वापस नहीं आता था क्योंकि वो क्लाउड पे जाता ही नहीं था। लेकिन अब ये रियल टाइम आ गया है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं वही सारे सिस्टम के डिफॉल्ट ऐप, मैनेज एप्लीकेशन जहाँ पे अपडेटर, अनइंस्टॉल, फाइंड ऐप और परमिशन, ये काफी ज्यादा कलरफुल किए गए हैं। ड्यूल ऐप परमिशन सेम पहले जैसा ही है। ऐप लॉक के अंदर आपको जो यहाँ पे देखने को मिल जाता है फिंगरप्रिंट का सपोर्ट, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो हाइड ऐप का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। पहले कुछ अलग तरीके से हाइड होता था जो कि आपको पता ही है, अब यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया ऐप लॉक के अंदर। अगर हम इसके सेटिंग्स पे आते हैं तो सेटिंग्स पहले वाली ही चीजें सब कुछ दिखाई देती है, यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं है। यहाँ पे आपको मिल जाता है सर्विस एंड फीडबैक का ऑप्शन, हमें ना ही यहाँ पे डिजिटल वैल्यूइंग देखने को मिला है, ना ही स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिला है जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑडियो और पाई वाले एंड्रॉइड पे रन करने वाले डिवाइसों को देखने को मिला है। आई की बात करते हैं तो इसका जो डायल पैड हमें देखने को मिलता है ये हल्का सा यहाँ पे राउंड कर दिया गया है, और इसके डायलिंग की जो आपको स्क्रीन दिखाई देती है उसमें आपका मिनट काफी ज्यादा लार्ज किया गया। मैं आपको दिखा तो अपने Redmi Note 7 Pro में क्योंकि अभी मैं फिलहाल सिम इंक्लूड नहीं कर रखा हूं, तो ये जो इतना लार्ज आपको मिनट के दिखाई दे रहे आइकन वही इतना आपको सेम टू सेम इस पर दिखाई देता है। तो बाकी UI में कोई भी चेंजिंग नहीं है कॉलिंग की, बस आपका मिनट थोड़ा सा लार्ज कर दिया गया है। एक और झटका यहाँ पे लगता है आपको सिक्योरिटी ऐप को देखकर जो कि बिल्कुल ही MIUI 10 वाला रखा गया है, तो इसे भी अपडेट नहीं किया गया है, पता नहीं इन फ्यूचर अपडेट आएगा या नहीं आएगा। ये अभी फिलहाल किसी भी ग्लोबल के MIUI 11 के रोम में नहीं है। जी हाँ, तो गुड न्यूज ये है कि किसी में नहीं है। तो Redmi Note 4 और Redmi 4 यूजर्स भाई टेंशन मत लेना कि हमें नहीं मिला बाकी को मिल गया, क्योंकि अभी किसी को नहीं मिला है। गेम बूस्टर की बात करें तो भाई गेम बूस्टर ना ही Redmi Note 4 में अपडेट किया गया है ना ही Redmi 4 पे अपडेट किया गया है, दोनों को सेम टू सेम एक जैसा ही रखा गया है। अब आगे को चलते हैं इसका परफॉर्मेंस यानी Antutu का स्कोर। तो लेटेस्ट Antutu का स्कोर मैंने यूज किया है जो कि करीब 700 के आसपास का अपडेट होके आ गया है, पहले 200 के अंदर था अब 700 पहुंच गया है। तो इसका जो स्कोर है वो है 68534 का जो कि मुझे काफी अच्छा लगा है। तो यहाँ पे पबजी वगैरह प्ले कर पाओगे, लेकिन आजकल भाई कस्टम रोम ज्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है, पबजी वगैरह में डिटेलिंग काफी अच्छी प्रोवाइड कर रहा है। तो अब डिसीजन आपको लेना है कि आप कस्टम रोम यूज करना चाहोगे या फिर ऑफिशियल पे यूज करना चाहोगे। आपने आज तक बूटलोडर लॉक नहीं किया है तो आपको तो इसी पे प्ले करना होगा,
तो इन परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है, तो ये काफी अच्छी बात है। यहाँ पे आपका जो कैलेंडर है ये आपको ओल्ड वाला ही देखने को मिलता है, कोई भी यहाँ पे अपडेटेड फीचर देखने को नहीं मिलता है। तो ग्लोबल में हमें कैलेंडर का अपडेट देखने को मिला ही नहीं है किसी भी डिवाइस के लिए, लेकिन इन फ्यूचर ये अपडेट आ सकता है। मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ कैसा कैलेंडर हमें जो इन फ्यूचर मिलने वाला है। तो ये कैलेंडर हमें मिलने वाला है इन फ्यूचर को, जो कि कुछ इस तरीके से एक्सपेंड होता है और आप जितने भी है जो फेस्टिवल वगैरह यहाँ पे शो हो जाएंगे जैसे आप एक्सपेंड करोगे। तो अभी तो फिलहाल यही है, अभी किसी को मिला नहीं है, बट देखते हैं कब तक हमें मिलता है। अगर हम आते हैं म्यूजिक प्लेयर के ऊपर जो कि मैंने अपडेट किया है, तो यहाँ पे हंगामा के साथ लिंक्ड है, तो सब कुछ पहले जैसा ही दिखाई देता है। इधर की ओर आते हैं तो कुछ एडवर्टाइजर वगैरह वाले एड्स आपको दिखाई देंगे, क्लीनर वगैरह मिल जाता है, फाइन एप्स मिल जाते हैं, फिर से यहाँ पे एड मिल जाता है। यहाँ पे स्टेप का एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है जो कि मैं दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। बस इसको आपको टैप करना है, अगर ये ओपन नहीं हो रहा है तो आपको इसे अपडेट करना होगा अपने EMI ऐप से, या फिर आप अपने अपडेटर के सेशन से भी इसे अपडेट कर पाओगे। जब तक आप इसे अपडेट नहीं करते ये काम नहीं करेगा। सो बॉस यहाँ पे ये अपडेट नहीं हो रहा है, मैंने बहुत कोशिश कर ली, यहाँ पे ऐप शो ही नहीं कर रहा है, मे बी सर्वर प्रॉब्लम वगैरह इशूज है, लेकिन आप जिसे अगर अपडेट कर ले तो आपका अपडेट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको स्टेप काउंटर्स किलोमीटर डिस्टेंस वगैरह दिखाई देने लगेगा, जैसा कि हमें EU वाले रोम में देखने को मिलता है, बस लुक वाइज थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। जैसा कि अभी मैंने यहाँ पे गोल कार्ड कर रखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का आपको स्टेप काउंटर्स देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत लुक चेंज रहेगा बट कुछ इसी तरीके का है जो काम करेगा। तो फिलहाल अभी अपडेट नहीं हो रहा है, मे बी सर्वर का इशूज वगैरह है, तो इस तरीके आपको स्टेप काउंटर्स भी देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप 3D टच ट्राई करोगे तो यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है, जबकि हमारे Redmi Note 4 के अंदर ये देखने को नहीं मिला था। तो यहाँ पे Redmi Note 4 से एक स्टेप यहाँ पे मैं कहूंगा कि ये आगे है, क्योंकि यहाँ पे 3D टच काम कर रहा है जबकि उसमें काम नहीं कर रहा था। तो भाई Redmi 4 के लिए गुड न्यूज है कि ये थोड़ा सा आगे हो जाता है हमारे Redmi Note 4 के डिवाइस के मुकाबले। तो यहाँ पे मैंने आपको दे दिया फुल डिटेल, अब आप मुझे बताना कि वीडियो कैसे लगी, और आपको अच्छा लगा था आप अपडेट करो, अदरवाइज लीव करो, आप कस्टम रूम पे एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन जिनका बूटलोडर लॉक है, अभी तक अनलॉक नहीं किया है, तो भाई वो तो अपडेट करना ही पड़ेगा, और यहाँ पे परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है ना कि डिक्रीज हुई है, तो आप मजे से यूज कर पाओगे इस फीचर्स को। अब आप मुझे बताना अपना ओपिनियन कि आपको रिव्यू कैसा लगा, आपको डिटेलिंग सब मिल गई, कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हो, वीडियो को लाइक जरूर करें, और मेरा जो सेकेंड चैनल है उसे भी आपको सब्सक्राइब करना है टेक ऑफिस के साथ। तो टेक ऑफिस का बेल आइकन दबाओ और ऑल पे सेलेक्ट करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और जो टेक गेम है इसे आपको इसलिए सब्सक्राइब करना है क्योंकि आजकल मैं जितने भी Redmi 4 की वीडियोस दे रहा हूँ वो सभी इसी चैनल पे आ रही है। इतना पुराना होने के बाद भी मैंने अभी इसे लीव नहीं किया है, तो जितने भी अपडेट आएंगे रोम से रिव्यू के वो सारे इसी पे आपको मिल जाएंगे। तो आप स्विच कर जाओ इससे, या फिर दोनों को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि अगर आपको अपडेट चाहिए तो, लेकिन आपने सेल करने का सोच लिया तो कोई जरूरत नहीं इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जी हाँ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।